14 अध्याय में आएंगे, 14 सो 14 अध्याय का हम 1 से लेकर 5 तक के वचन पढ़ेंगे। 14 अध्याय 1 से लेकर 5 तक के वचन पढ़ेंगे। पढ़िए कोई। फिर मैंने दृष्टि की और देखो वह मेमना सियोन पहाड़ पर खड़ा है और उसके साथ 144,000 जन है जिनके माथे पर उसका और उसके पिता का नाम लिखा हुआ है। और स्वर्ग से मुझे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया जो जल की बहुत धाराओं और बड़े गर्जन का सा शब्द था। और जो शब्द मैंने सुना वह ऐसा था मानो वीणा बजाने वाले वीणा बजाते हो और वे सिंहासन के सामने और चारों प्राणियों और प्राचीनों के सामने मानो एक नया गीत गा रहे थे। और उन 144,000 जनों को छोड़ जो पृथ्वी पर से मोल लिए गए थे कोई वह गीत न सीख सकता था। ये वे हैं जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए पर कुवारे हैं। ये वे ही हैं कि जहां कहीं मेमना जाता है वे उसके पीछे हो लेते हैं। ये तो परमेश्वर के निमित्त पहले फल होने के लिए मनुष्य में से मोल लिए गए हैं। ओके, सो नाउ हम 14 अध्याय, आज हम 14 अध्याय के कुछ बातों को देखेंगे। ओके, सो 14 अध्याय उसका 1 से लेकर 5 तक के आयत हम पढ़ेंगे तो वहां पर दर्शन बिल्कुल अलग है। अभी तक 13वां अध्याय में हमने पृथ्वी का दर्शन देखा, आसमान से ड्रैगन वज्र गिरा और समुद्र से जानवर निकल कर आया और जो पृथ्वी से जानवर निकल कर, यानी पृथ्वी का दर्शन, मसीह विरोधी का दर्शन, झूठा भविष्यवक्ता का दर्शन। लेकिन 14 अध्याय में जब आए योहन्ना ने बिल्कुल अलग दर्शन देखा है, पृथ्वी का नहीं, और 1 से 5 आयत के अंदर में योहन्ना ने स्वर्ग का दर्शन देखा। ओके, स्वर्ग का दर्शन देखा। ये 1 से 5 अध्याय के अंदर के दर्शन में क्या देखा, स्वर्ग में फिर मैंने दृष्टि की और देखो वो मेमना सियोन पहाड़ पर खड़ा है और उसके साथ 144,000 जन है। ओके, सो यहां पर हम देखते हैं स्वर्ग के सियोन पर्वत पर मेमना और मेमने के साथ 144,000 लोग दिखाई दे रहा है। ध्यान दीजिए, मेमना और मेमने के साथ 144,000 लोग स्वर्ग में पाए जाते हैं। सो ये बहुत ही रोचक बात है, बहुत ही तार्किक बात है। कई लोग इसके विषय में अलग अलग विचार करते हैं, उपदेश बनाते हैं, क्लेम करते हैं हम ही लोग ऐसा। सो ये हम देखते हैं 144,000 लोग स्वर्ग में मेमने के साथ सियोन पर्वत में खड़ा हुआ देखते हैं। अभी हम देखते हैं ये 144,000 लोग जो स्वर्ग का सियोन पर्वत में है वे कौन लोग है। वहां पर तर्क है, जब 144,000 लोगों के बारे में हम पढ़ते हैं तो हमारा ध्यान 7वां अध्याय की तरफ जाता है, क्योंकि 7वां अध्याय में हमने पहली बार 144,000 लोगों के बारे में पढ़ा। वहां पर इसराइल के गोत्रों में से 12 गोत्रों में से 12,000 करके परमेश्वर ने चुन लिया और उनके माथे पर मोहर डाला, मोहर डालकर महान क्लेश के आधे में उनको सुसमाचार सुनाने के लिए, राज्य के सुसमाचार सुनाने के लिए नियुक्त किया था। सो पहली बार 144,000 लोगों को हम 7वां अध्याय में देखते हैं। फिर हम देखते हैं 144,000 लोग जो है 14 अध्याय में है, वो भी पृथ्वी पर नहीं, अभी वो स्वर्ग पर पाए जाते हैं। सो हम इस बात को देखते हैं, पृथ्वी पर 144,000 लोग सेवा करते हुए हमने देखा और उसके साथ साथ 2 गवाह स्वर्ग से आए। 7वां अध्याय में 11वां अध्याय में हम पढ़े वो भी 3.5 साल सेवा किया और वो 2 गवाह को जो स्वर्ग से आए थे उनको मसीह विरोधी ने मार डाला, उनका शरीर 3.5 दिन यरूशलेम के राजमार्ग पर पड़ा रहा। उसके बाद परमेश्वर से उन पर ज्ञान जान आया और वे उठकर खड़ा हो गया और स्वर्ग में चला गया। सो स्वर्ग से आए हुए 2 गवाहों को मसीह विरोधी मार डाला। इसका मतलब है जो मसीह विरोधी उनको मार सकता है तो मनुष्य में से चुना हुआ 144,000 लोग जो सुसमाचार सुनाते हैं उनको भी मार सकते हैं, क्योंकि स्वर्ग से आए हुए को मार सकता है तो मनुष्य के लोगों को क्यों नहीं मार सकेंगे। इसलिए 144,000 लोग मसीह विरोधी के द्वारा मारा गया है और वे लोग अभी उनके आत्माएं यहां पर हम सियोन पर्वत में
देखते हैं सियोन पर्वत में। ये सियोन पर्वत है पृथ्वी के पर्वत नहीं है, ये सियोन पर्वत स्वर्ग के पर्वत है। ओके, स्वर्ग में भी एक पर्वत है सियोन नाम है, पृथ्वी में भी एक सियोन पर्वत है वो यरूशलेम को दर्शाता है। यरूशलेम एक पहाड़ है उसको सियोन पर्वत कहते हैं। सो स्वर्ग में भी एक पर्वत है उसको सियोन पर्वत कहते हैं। जब लूसीफर स्वर्ग में उड़ गया तो बोला है मैं पूर्व के सॉरी उत्तर पर्वत के ऊपर समागम पर्वत के ऊपर चढ़ूंगा, परमेश्वर के तारागणों के ऊपर मेरे सिंहासन रखूंगा, ईश्वर के भी ऊपर में चढ़ूंगा। इसका मतलब है स्वर्ग में एक पर्वत है, उस पर्वत का नाम है सियोन पर्वत। उस सियोन पर्वत के ऊपर मेमना दिखाई देता है, 144,000 लोग भी दिखाई देते हैं। सो मेमना आपको मालूम है ये प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। पांचवा अध्याय में वध किया हुआ एक मेमना योहन्ना ने स्वर्ग में सिंहासन के सामने देखा है, जिन्होंने परमेश्वर के हाथ से वो मोहर बंद पुस्तक लिया था। हम पुराना नियम और नया नियम पढ़ेंगे, अनेक स्थान में यीशु मसीह को मेमने के रूप में बताया गया है। सो योहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह को देखते हुए कहा कि देखो परमेश्वर के मेमना जो मनुष्य के पाप उठा कर चलता है। सो यीशु मसीह मेमना है। सो इसलिए यहां पर भी हम देखते हैं मेमना है, मेमना यीशु मसीह को दर्शाता है। 19वां अध्याय में जब हम आएंगे वहां पर भी मेमने का विवाह यानी यीशु मसीह का विवाह। सो मेमना यीशु मसीह है उसमें कोई डाउट नहीं। सो लेकिन मेमने के साथ में 144,000 लोग है, वे क्या कहते हैं, जिनके माथे पर उसका और इसके पिता का नाम लिखा हुआ है। अभी आपको मालूम है ये 144,000 लोग कौन लोग है जिनके माथे पर पिता का नाम लिखा हुआ है। सातवां अध्याय में हमने देखा है स्वर्गदूत 144,000 के माथे पर मोहर डाला। मोहर क्या था यहां पर पता चल रहा है, वो पिता का नाम लिख रहा था माथे पर। ओके, सो ये 144,000 लोग है वो इसराइली गोत्र में से निकले हुए लोग है, उनके माथे पर परमेश्वर ने मोहर डाला। लेकिन 144,000 लोगों के बारे में दो तीन विचारधारा आज जगत में पाए जा गए। उसमें एक है कि यहोवा विटनेस वाले, यहोवा की साक्षी, वे लोग है कहते हैं ये 144,000 लोग बोले तो हम ही लोग है जो हम सियोन पर्वत में प्रभु यीशु मसीह के साथ पाए जाते हैं। उनका कहना है पृथ्वी पर जो 144,000 लोग है जो हमारे संख्या जब पूरा हो जाता है तब हम परमेश्वर का राज्य इस पृथ्वी पर स्थापित हो जाते हैं और वो हम यीशु मसीह के साथ सियोन पर्वत पर खड़े हो जाएंगे। उनके हिसाब से स्वर्ग नहीं है, उनके हिसाब से है। सो स्वर्ग के सियोन पर्वत के ऊपर में यरूशलेम में 144,000 लोग यानी मसीह यानी यहोवा विटनेस वाले लोग यीशु के साथ में पाए जाएंगे, उनका स्वर्ग यही है। सो इसलिए 144,000 लोग हम ही लोग करके यहोवा विटनेस वाला जो क्लेम करते हैं आजकल, वे कहते हैं हमारा 144,000 का नंबर अभी तक पूरा नहीं हुआ। जब हमारा 144,000 का नंबर पूरा हो जाता है उस दिन परमेश्वर का राज्य स्वर्ग इस पृथ्वी पर साबित हो जाएगा, हम सियोन पर्वत में उनके सामने रहेंगे। लेकिन ये जरा सा झूठ है, उसके लिए कोई आधार नहीं है। यहां पर हम देखते हैं मैंने दृष्टि करके देखा कि वो मेमना सियोन पर्वत पर खड़ा है, उसके साथ 144,000 जन है जिनके माथे पर उसका और उसके पिता का नाम लिखा हुआ है। जो माथे पर लिखा हुआ है ना मोहर डाला है वही लोग 144,000 लोग। लेकिन यहोवा विटनेस वाले आज हम पर घूम रहे हैं, उनमें उनके माथे पर कोई मोहर नहीं है। ओके, आज हम देखते हैं विश्वासियों को परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के छाप डाला है अपने हृदय में, हृदय का छाप। इफिसियों की पत्री में पहला अध्याय में लिखा है हमारे दिल में पवित्र आत्मा के छाप डालकर हमें परमेश्वर के लिए अलग किया है आज। सो वर्तमान समय में पवित्र आत्मा के द्वारा विश्वासियों के दिलों में छाप यानी मोहर डालते हैं, माथे पर नहीं। माथे पर मोहर डालता है वो सब जो है मसीह विरोधी के शासन काल में। नंबर वन 144,000 लोगों के माथे पर मोहर डालेंगे स्वर्गदूत। नंबर टू अनेक लोगों के जो माथे पर या हाथ के ऊपर में शैतानी मोहर डालेंगे मसीह विरोधी
सो माथे के ऊपर मोहर डालने वाला सिस्टम जो है मसीह विरोधी के समय में है, अर्थात महान क्लेश के समय में है। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कलीसिया के मोहर उनके दिलों में डाल दिया है, पवित्र आत्मा रूपी मोहर, माथे पर नहीं। इसका मतलब है ये जो है 144,000 लोग नहीं है, 144,000 लोग है उनके माथे पर मोहर है, दिल में नहीं है। इसका मतलब है 144,000 लोग है वर्तमान समय में जीवित नहीं है, वर्तमान समय में मोहर डालने वाले सिस्टम को नहीं है, मसीह विरोधी के समय पर मोहर डालते हैं उसी को दर्शाता है। इसलिए ये जो स्वर्ग में दिखाई देता है, मैं दृष्टि करके देखा और स्वर्ग में सियोन पर्वत में मेमना देखा है, वो वहां पर लिखा हुआ है पृथ्वी पर से मोल लिया गए, उसके तीसरा वचन जब हम पढ़ेंगे उसके लास्ट पोर्शन में लिखा है 144,000 लोग पृथ्वी पर से मोल लिए गए थे, कोई वो गीत ना सीख सका। इसका मतलब है ये पृथ्वी पर से मोल लिया गया है, खरीद लिया है स्वर्ग में, अभी अभी पृथ्वी में नहीं है, पृथ्वी के लोग है लेकिन अभी पृथ्वी पर से मोल लिया गया है, वो स्वर्ग में पाया जाता है। इसका ये मतलब है कि ये यहोवा विटनेस वाला नहीं है, यहोवा विटनेस वाला बाइबल के विरुद्ध सिद्धांत को लेकर के झूठी शिक्षा लेकर के हमें गुमराह करने के लिए अपने घरों में घुस कर आते हैं, उनसे सावधान रहिए। वे लोग हैं जो धीरे धीरे एंट्री मारते हैं और धीरे धीरे जब हम उनको अवसर देता है उनके सारे गलत सिद्धांत हमारे दिमाग में डाल देता है, हम भरमाए जाएंगे। वे पहले आएंगे अपने ही बाइबल लेकर के, अपना ही बाइबल लेकर के आएंगे, लेकिन यहोवा विटनेस वाले का याद रखिए यहोवा विटनेस वाले का दूसरा बाइबल है। लेकिन हमें गुमराह करने के लिए उनके बाइबल लेकर नहीं आते हैं, हमारे बाइबल लेकर के आते हैं, यानी उनके बाइबल और हमारे बाइबल में अंदर है। उनके बाइबल में अनेक जगह में ट्रांसलेशन में उन्होंने चेंज कर दिया है, जहां जहां परमेश्वर जो शब्द है वहां पर उन्होंने यहोवा लिख दिया है। उनका बाइबल का नाम है वॉच टावर बाइबल। सो वॉच टावर बाइबल जो है यहोवा विटनेस का बाइबल है, वो हमारे बाइबल से ट्रांसलेशन में अंदर है, वही बाइबल वो लाते नहीं हमारे सामने, क्योंकि आप पकड़ेंगे। इसलिए अपने बाइबल पवित्र शास्त्र लेकर के हमारे पास आते हैं और इस गलत सिद्धांत में बताते हैं, इसलिए उनको हम एंटरटेन नहीं करें, उनके जो शिक्षा के तरफ कान ना दे। वे बिल्कुल परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में शिक्षा देते हैं, वो ये शिक्षा देते हैं ना स्वर्ग है ना नरक है, स्वर्ग और नरक दोनों इधर ही है। ओके, यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है, यीशु मसीह मिखाएल है, परमेश्वर की सृष्टि है। इस प्रकार की शिक्षा बेसिक शिक्षा है यहोवा विटनेस का, इसलिए हम उनको ध्यान ना दे। पवित्र शास्त्र बहुत स्पष्टता से बताता है यीशु मसीह परमेश्वर है, इसलिए यहोवा विटनेस की शिक्षा जरा से झूठ है उसमें हम ध्यान ना दे। इसलिए 144,000 लोग जो है यहोवा विटनेस आज वर्तमान के यहोवा विटनेस नहीं है, 144,000 लोग जो है इसराइल के गोत्र में से परमेश्वर के स्वर्गदूत के द्वारा मोहर डालकर अलग किया हुआ लोग है, मसीह विरोधी के द्वारा तलवार से मारा गया है, वे लोग है स्वर्ग गए हैं और स्वर्ग में सियोन पर्वत में मेमने के सामने दिखाई देता है। ओके, पहला विचार। नंबर टू यह है कि कुछ पेंटेकोस्टल पंथ ग्रुप जो है क्लेम करते हैं कि ये 144,000 लोग जो है मेमने के साथ सियोन पर्वत में दिखाई देता है वे हम ही लोग हैं। उसका नाम है द पेंटेकोस्ट मिशन, या उसका पुराना नाम है सिलोन पेंटेकोस्ट मिशन। इसका आरंभ में सिलोन पेंटेकोस्ट मिशन था, लेकिन सिलोन यानी श्रीलंका, इसका नाम ऐसा इसलिए दिया गया है श्रीलंका में ये मिशन आरंभ किया, ये सिलोन पेंटेकोस्ट मिशन श्रीलंका में आरंभ किया गया है। लेकिन सिलोन पेंटेकोस्ट मिशन का संस्थापक जो है साउथ इंडिया के केरल राज्य का एक मनुष्य है, रामन गुट्टी नाम है उनका, हिंदू पृष्ठभूमि से आता है रामन गुट्टी। रामन गुट्टी अपना नौकरी के सिलसिला में सिलोन गया था, वहां पर सिलोन में उद्धार पाया, वचन पढ़ा और उन्होंने वहां पर अपना नाम बदला है, पॉल नाम स्वीकार किया, रामन गुट्टी पॉल बन गया है। और वो पॉल जो है एक संस्था का स्थापना किया है, उस संस्था का नाम है सिलोन पेंटेकोस्ट मिशन। आपको मालूम है नागपुर में भी है, उन्हीं व्हाइट कपड़ा पहनते हैं, व्हाइट कपड़ा, उनका जो कपड़ा एकदम व्हाइट रहता है, अपने जो व्हाइट उसके
सामने कुछ भी नहीं है, वो ऐसा व्हाइट सफेद कपड़ा पहन करके उनके पास्टर लोग और उनके मदर लोग घूमते हैं, वे सफेद कपड़ा वाला देखते हैं, वो घर में भी सफेद पहनते हैं, ओके, सो वे घर में भी सफेद कपड़ा पहनते हैं, सो ये लोग है सिलोन पेंटेकोस्ट। और सिलोन पेंटेकोस्ट नाम इंडिया के अंदर में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट किया है, क्योंकि ये नाम जो है सिलोन अर्थात श्रीलंका से जुड़ा हुआ है, श्रीलंका में LTT का यानी आतंकवाद संगठन यानी समस्याएं हुई, तब सिलोन पेंटेकोस्ट यानी सिलोन में शुरू हुआ, श्रीलंका में शुरू हुआ, इसलिए उसको इंडिया में प्रॉब्लम होने लगा, सो इसलिए उन्होंने इंडिया के वही चर्च उनका नाम चेंज कर दिया, डॉक्ट्रिन वही है, नाम चेंज किया, उन्होंने नाम दिया है द पेंटेकोस्ट मिशन, द पेंटेकोस्ट मिशन, TPM, द पेंटेकोस्ट मिशन। सिलोन पेंटेकोस्ट और द पेंटेकोस्ट दोनों एक ही है, केवल इंडिया में थोड़ा सा नाम चेंज किया, बस उपदेश एक ही है। सो ये लोग कहते हैं द पेंटेकोस्ट मिशन, ये लोग कहते हैं 144,000 लोग जो हैं वे हमारे पादरी लोग हैं, हमारे पादरी लोग हैं, ओके, तो हमारे पादरी लोग 144,000 लोग जब पूरा हो जाएंगे तब प्रभु का आगमन होगा, इस प्रकार की शिक्षा उनके पास है। सो लेकिन हम वचन के अनुसार देखेंगे कि ये द पेंटेकोस्ट मिशन के पादरी लोग हैं क्या, सो हम देखते हैं अगर पेंटेकोस्ट मिशन के पादरी लोग 144,000 लोग है तो ये पादरी लोग स्वर्ग जाएंगे, बाकी उनका विश्वासी क्या क्या होगा, ओके, जो 144,000 लोग स्वर्ग जाएंगे मेमने के साथ रहेंगे, लेकिन बेचारा उनके जो मदर लोग है और उनके विश्वासी गण है लाखों लाखों है, वे लोगों का क्या होगा, क्या वे लोग स्वर्ग नहीं जाएंगे, गलत सिद्धांत है, स्वर्ग केवल पादरी लोगों के लिए नहीं है, स्वर्ग पूरी कलीसिया के लिए है, आपको मालूम है अगर इनका सही है तो 144,000 लोग द पेंटेकोस्ट वाले का पादरी लोग है तो पादरी लोग स्वर्ग जाएंगे और कलीसिया के एक हिस्सा स्वर्ग जाएंगे, बाकी हिस्सा छोड़ दिया जाएगा, वचन में उसके लिए कोई सबूत नहीं है, जब यीशु मसीह के आगमन होगा तो कलीसिया पूरा स्वर्ग जाएंगे, जो असली कलीसिया पूरा जाएंगे, असली कलीसिया के एक अवशेष पृथ्वी पर नहीं छोड़ेंगे, उसके लिए बाइबल में सबूत नहीं है, इसलिए द पेंटेकोस्ट मिशन का जो शिक्षा है वो बिल्कुल गलत है, वो सही नहीं है। सो द पेंटेकोस्ट मिशन वो हम ही लोग है, इस बात को प्रूफ करने हेतु वे क्या करते हैं, बताते हैं कि वे स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं किया गया है, ओके, उसका चौथा वचन पढ़िए, कोई चौथा वचन 4, ये वे है जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए पर कुवारे हैं, वो है जो स्त्रियों के साथ शुद्ध नहीं किए गए हैं, ओके, पर वे कुवारे हैं, कुवारे, ओके, सो हम देखते हैं द पेंटेकोस्ट मिशन सफेद वाला, आपको समझाने के लिए मैं बताता, सफेद वाला सफेद कपड़ा पहन के रहते हैं, सो ये लोग है स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं किया, वे कुवारे हैं, इसलिए सिलोन पेंटेकोस्ट चर्च के जो पादरी लोग है वे लोग शादी नहीं करते, वे कुवारे हैं, यही वचन के अनुसार वे उनको शादी करना मना है, क्योंकि शादी करने से वे अशुद्ध हो जाते हैं, वे स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए इसलिए वो शादी विवाह नहीं करते, आपको मालूम है, सो बिना शादी सेवा करने वाले लोग है ये लोग, इसलिए वो लोग कहते हैं 144,000 लोग इनके पादरी लोग हैं वो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुआ, वे कुवारे हैं, कुवारे हैं बोल करके वे शादी मना किया है, लेकिन पवित्र शास्त्र में ढेर सारा वचन है, मैं आपके सामने आज बता सकता हूं लेकिन समय को देखते हुए केवल बोलना चाहता हूं, निकालना नहीं चाहता। कलीसिया के पासवान एक पत्नी का पति होना चाहिए, तिमोथियुस के पुस्तक में, तीतुस के पुस्तक में लिखा है, एक पत्नी का पति होना चाहिए कलीसिया के पासवान। सो पवित्र शास्त्र पासवान को जो विवाहित होने के लिए अनुमति दे रहा है, और केवल अनुमति नहीं, वो आज्ञा है, एक पत्नी का पति होना चाहिए कलीसिया के अगुवे, बच्चे वाले भी होना चाहिए, परिवार वाला होना चाहिए। जब पवित्र शास्त्र जो विवाह शादी को इस प्रकार अनुमति देता है
तो द पेंटेकोस्ट मिशन विवाह करने में मना करता है। सो पवित्र शास्त्र के विरुद्ध में शिक्षा देने वाले लोग है द पेंटेकोस्टल चर्च के लोग है, इसलिए वे 144,000 लोगों में नहीं है। वह तो साफ लिखा हुआ है 144,000 लोग है, माथे पर मोहर डाला हुआ सातवां अध्याय में इसराइल के गोत्रों में से चुना हुआ लोग है। इतना साफ साफ लिखने के बाद ये लोग बोलते हैं ये हम ही लोग है, स्त्री होंगे सदा शुद्ध नहीं होते, ये वचन को लेकर के शादी विवाह मना कर दे। फिर अगर कोई व्यक्ति विवाह के पश्चात उद्धार पाए, पेंटेकोस्ट के यानी द पेंटेकोस्ट के टीचिंग, विवाह ऑलरेडी हो गया है, विवाह के पश्चात पत्नी और बच्चे होने के बाद वे अगर प्रभु में आए सेवा में आए, तो पति पत्नी सेवा में आते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, सेवा में आने के बाद वे पारिवारिक जीवन बिताना का अनुमति नहीं देते हैं, क्योंकि कुवारा रहना चाहिए, मैरिड कुवारा। सो उस पति पत्नी को ये क्या करते हैं, सेवा में दो स्थान में रखते हैं, साथ में जीने की अनुमति नहीं देते हैं। मान लीजिए पति पत्नी मिलकर के उद्धार पाया, अभी सेवा में आए, दोनों सेवा में आए, और पति को नागपुर में रखेंगे, इधर तुम सेवा करो, पत्नी को रखेंगे कन्याकुमारी में, उधर तुम सेवा करो। पति पत्नी को अलग करके सेवा करने वाला सिस्टम द पेंटेकोस्ट चर्च के अंदर में। ओके, सो पति पत्नी को मनुष्य अलग ना करे, परमेश्वर ने जोड़ा, मनुष्य अलग ना करे, ऐसा पवित्र शास्त्र मत्ती सुसमाचार में 19वां अध्याय में हम पढ़ते हैं, जब परमेश्वर ने जोड़ा है द पेंटेकोस्ट वाला ने करता है, यानी सिखाने वाले लोग है, इसलिए ये 144,000 लोगों में नहीं है, ये कुवारा है बोल करके वे लोग शादी मना किया, कुवारा रहना कुवारा। लेकिन इंग्लिश बाइबल में जब हम पढ़ेंगे वहां लिखा हुआ है दे आर द वर्जिन्स, वर्जिन्स, वर्जिन मतलब है कुवारा नहीं, कुमारी है, कुमारी। ओके, अपने बाइबल में कुवारा लिखा है लेकिन इंग्लिश बाइबल में कुमारी लिखी है। ओके, सो इनका सिद्धांत, इनका जो टीचिंग बिल्कुल गलत है, 144,000 लोग कुमारी है, दे आर द वर्जिन्स, कुवारे नहीं है। सो इसलिए ये प्रभु के साथ यानी पहाड़ के ऊपर में, सियोन पर्वत के ऊपर प्रभु के सामने खड़ा है करके वे 144,000 लोग ये नहीं है, द पेंटेकोस्ट वाला नहीं है और यहोवा विटनेस नहीं है। वचन साफ साफ कहता है ये इसराइल में से चुने गए 144,000 यहूदी लोग है, वे लोग मसीह विरोधी के द्वारा मारा गया और मसीह विरोधी के शासन काल के आधे में, और वे स्वर्ग चला गया और वे स्वर्ग में मेमने के साथ इसलिए चलते हैं, मेमने ने उसको पहले से चुन लिया है। ओके, फिर वो लोग ये भी बताते हैं और वे एक गीत गाते हैं, एक नया गीत गाते हैं, तीसरा वचन पढ़िए, तीसरा और वे सिंहासन के सामने और चारों प्राणियों और प्राचीनों के सामने मानो एक नया गीत गा रहे थे, और उन 144,000 जनों को छोड़ जो पृथ्वी पर से मोल लिए गए थे कोई वह गीत ना सीख सकता था। ओके, सो यहां पर हम देखते हैं जो मेमने के साथ सिय्योन पर्वत में स्वर्ग में वे एक गीत गा रहे थे, वीणा बजाने वाले वीणा बजाते थे, और वे सिंहासन के सामने और चारों प्राणी और प्राचीनों के सामने मानो एक नया गीत गा रहे थे स्वर्ग में। चारों प्राणी सिंहासन ये सब कुछ स्वर्ग का दर्शन है, इसका मतलब है 144,000 लोग स्वर्ग के सिय्योन में है, पृथ्वी में नहीं है, जैसे यहो विटनेस बोलते हैं वैसा नहीं है, स्वर्ग में है। सो स्वर्ग में गीत गाने वाला कौन है, एक बार हम देखते हैं 144,000 लोगों के अलावा कोई वो गीत सीख नहीं सके। द पेंटेकोस्ट मिशन चर्च बोलते हैं कि हमारे पासवान है जो चर्च के विजयी लोग है, चर्च के विजयी लोग है, विजयी लोग 144,000 लोग सिंहासन पर पाए जाते हैं यानी स्वर्ग में पाए जाते हैं, बाकी कलीसिया के लोग पृथ्वी पर पाए जाते हैं, ऐसा नहीं है। सो ये महान क्लेश की घटना है, ये अभी के वर्तमान समय के द पेंटेकोस्ट वाले की घटना नहीं है। ओके, सो ये लोग एक गीत गाते हैं, वे लोग बोलते हैं हम ही लोग इस गीत गाते हैं क्योंकि हम स्पेशल प्रिविलेज लोग है, लेकिन हम देखते हैं
ये लोग कलीसिया नहीं है। 144,000 लोग पिंतेकोस्त वाला बोलते हैं हम कलीसिया है, कलीसिया के विजयी लोग है, हमारे पासवान लोग है, 144,000 लोग कलीसिया की हिस्सा है, विजयी है। लेकिन हम देखते हैं ये कलीसिया के लोग नहीं है, क्योंकि वहां लिखा हुआ है एक नया गीत गा रहे थे और उन 144,000 जनों को छोड़ जो पृथ्वी पर से मोल लिया गए थे, जो कोई वो गीत सीख नहीं सके। इसका मतलब है 144,000 लोग वो गीत सीख सके, जो गीत वहां पर गा रहे थे वो गीत सीखने वाले लोग है 144,000 लोग। ओके, नया गीत स्वर्ग में हो रहा है, वो गीत है और कोई गा रहा है, उसको सीखने वाले लोग 144,000। ये कलीसिया नहीं है, सीखने वाला। लेकिन गाने वाले लोग कौन है? गाने वाले लोग स्वर्ग में गाने वाले लोग कलीसिया है। ओके, प्राचीन कलीसिया को दर्शाता है, मेमने के साथ में चलने का अधिकार कलीसिया का है। आपको मालूम है स्वर्ग में कलीसिया जाने के बाद मेमने के साथ कलीसिया का विवाह होता है। सो मेमने अर्थात यीशु मसीह पति और कलीसिया पत्नी आत्मिक रिलेशन है। सो पति पत्नी साथ में चलते हैं, लेकिन 144,000 लोग उनके पीछे पीछे चल करके वो गीत सीखने वाले हैं, प्रभु के साथ चलकर गीत गाने वाले एक ग्रुप वहां पर जो छुपी हुई है, वो ग्रुप गीत गा रहे हैं, वो नए गीत गा रहे हैं, वो नए गीत 144,000 जो पृथ्वी में से मोल लिया है वो सीख रहा है। दो ग्रुप वहां पर दिख रहा है, एक गीत गाने वाले लोग है, दूसरा गीत सीखने वाले लोग। गाने वाले लोग कौन है? प्राचीन, प्राचीन कलीसिया का रिप्रेजेंटेटिव है। सो इसका मतलब है गाने वाले लोग कलीसिया है, वो कलीसिया के नए गीत सीखने वाले लोग हैं 144,000। इसका मतलब है 144,000 लोग कलीसिया में से नहीं है। अभी पेंटेकोस्ट मिशन कहता है हमारे पास्टर लोग, यानी कलीसिया के हैं पास्टर लोग, हमारे पास्टर लोग ही 144,000। लेकिन यहां पर लिखा हुआ है 144,000 लोग कलीसिया के नहीं है, तुम्हारे पास्टर लोग कलीसिया के हैं, इसलिए ये लोग कलीसिया के नहीं है। ये लोग पृथ्वी में से मोल लिया गए लोग है, वे इसराइल गोत्र में से आए हुए लोग है। कुछ समझ में आ रहा है? हाँ समझ रहे अंकल, समझ में आ रहे ना, ये प्रकाशित वाक्य है, थोड़ा सा मन लगाओ। कंफ्यूजन वही होता था कि 144,000 कलीसिया है कि नहीं है। हाँ नहीं, 144,000 लोग कलीसिया के नहीं है, 144,000 लोग माथे पर मोहर डाले हुए। आज कलीसिया के माथे पर मोहर है क्या? नहीं, कलीसिया के हृदय में मोहर है, पवित्र आत्मा का एफेसियों की पत्री पला दिया है। ओके, माथे पर मोहर डालना यहूदियों का है, हमरम लिखा हुआ है ये लोग है 144,000 लोग जो है पृथ्वी पर से मोल लिए गए हैं, वे गीत सीखने वाले हैं, गीत गाने वाले लोग कलीसिया है। ये उसके पीछे पीछे है ना, वो जहां कहीं मेमना जाता है उसके पीछे हो लेता है, पीछे फॉलो करने वाले लोग। लेकिन कलीसिया पत्नी साथ चलने वाले लोग है, पति के साथ चलने का अधिकार पत्नी का है, पत्नी की जो सहेलियां हैं वो पीछे पीछे आती है, इसलिए 144,000 लोग जो है पत्नी की सहेलियां हैं, सहेलियां हैं, पृथ्वी पर से मोल लिया गया है, वे ना यहोवा विटनेस है ना द पेंटेकोस्ट वाला। इनके चाल में ना फंसना, इनके झूठी शिक्षा में फंसना नहीं, प्रकाशित वाक्य का बराबर अध्ययन करें। ओके, और हम देखते हैं ये लोग है, वे कहते हैं ये पृथ्वी के पहला फल है। पढ़िए उसका चौथा वचन एक बार और पढ़िए। ये वे है जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए पर कुवारे हैं, ये वे ही है कि जहाँ कहीं मेमना जाता है वे उसके पीछे हो लेते हैं, उसके पीछे हो लेते हैं। और ये तो परमेश्वर के निमित्त पहले फल होने के लिए मनुष्य में से मोल लिए गए हैं। तो पहले फल होने के लिए मनुष्य में से मोल लिया है, वे कहते हैं पहला फल मनुष्य में से। ओके, ये पहला फल कौन है? ये द पेंटेकोस्ट मिशन का लोग नहीं है। तीन पहला फल के बारे में बाइबल में बताते हैं। ओके, एक जो है इसराइल परमेश्वर का पहला फल है, नंबर टू कलीसिया परमेश्वर का पहला फल है, नंबर थ्री 144,000 लोग उसका पहला फल है।
ओके, पुराना नियम में परमेश्वर का पहला फल के रूप में इसराइल था। पढ़िए उस वचन, यिर्मयाह नबी के पुस्तक दूसरा अध्याय तीसरा वचन पढ़िए, यिर्मयाह दूसरा अध्याय तीसरा वचन। और इसलिए इसराइल यहोवा के लिए पवित्र और उसकी पहली उपज थी, उसे खाने वाले सब उपज थी। बस इसराइल परमेश्वर के लिए पहला उपज, पहला फल है। पुराना नियम में परमेश्वर का पहला फल इसराइल है। नाउ वर्तमान समय में याकूब की पत्री पहला अध्याय 18 पद पढ़िए, याकूब पहला अध्याय 18। इसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, ताकि हम उसकी दृष्टि उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हो, एक प्रकार के प्रथम फल हो हम। ओके, कलीसिया को बताते हैं। सो कलीसिया, कलीसिया युग में कलीसिया प्रथम फल है, पुराना नियम में इसराइल प्रथम फल है, अभी वर्तमान समय में कलीसिया प्रथम फल है। और कलीसिया के बाद महान क्लेश में 144,000 लोग प्रथम फल है, 14 अध्याय के 4 में हमने पढ़ा प्रकाशित। ओके, तीन प्रथम फल है। सो जो प्रथम फल बोलने के कारण ये कलीसिया में से लिया हुआ 144,000 लोग ऐसा नहीं है, प्रथम फल, ये प्रथम फल 144,000 लोग जो है वो महान क्लेश में से आए हुए प्रथम फल है, महान क्लेश में से प्रथम फल के रूप में इनको लिया गया है, क्योंकि महान क्लेश में से कई लोग स्वर्ग में आते हैं। ओके, एक अनगिनत अन्य जाति लोग है, तलवार से मसीह विरोधी के तलवार से मारा गया, वो भी स्वर्ग में आए, लेकिन इन सारे ग्रुप के बीच में से 144,000 लोग मसीह विरोधी के शासन काल में से स्वर्ग में आए हैं, उनको प्रथम फल बोले हैं। प्रथम फल कलीसिया के नहीं, ये प्रथम फल मसीह विरोधी के अनिन महान क्लेश में से आए हुए प्रथम फल है। पेंटेकोस्ट वाला बोलते हम लोग है, उसका मतलब है तुम महान क्लेश में इधर रहेंगे, महान क्लेश में से आने वाले लोगों के बारे में। इसलिए द पेंटेकोस्ट वाले का 144,000 लोगों के ऊपर में जो क्लेम है वो सही नहीं है, वो गलत है। इसलिए उनके यानी गलत सिद्धांत में ना फंसे, वो वचन के विरुद्ध में प्रचार करते हैं। कई अच्छी शिक्षा उनमें है, लेकिन एक दो गलत शिक्षा उनके अंदर में पाए जाते हैं। ओके, सो अभी हमने आज इतना ही दिया है कि पहला 14 अध्याय में 1 से 5 तक के आयत में 144,000 लोगों के बारे में दिखाई देता है, वो पृथ्वी में से महान क्लेश के समय में चुना हुआ प्रथम फल है, उनके माथे पर पिता का नाम जो छाप डाला हुआ है, विश्वासी नहीं है, कलीसिया नहीं है, कलीसिया के माथे पर नहीं, हृदय में छाप डाला हुआ है। जो कलीसिया अभी कुवारी नहीं, यहां पर मेमने के सामने कुवारिया, वे स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुआ, वे कुवारिया है, लेकिन बाइबल में अनुसार कलीसिया स्वर्ग में जाने के बाद सियोन पर्वत में जब दिखाई देता है कुवारी नहीं है, क्योंकि कलीसिया पत्नी है, कलीसिया के विवाह हो चुका है प्रभु के साथ, विवाह होने के बाद वो पत्नी बताया जाता है, लेकिन 144,000 लोग अभी भी कुवारी है। इसका मतलब है प्रभु के साथ इनका विवाह नहीं हुआ, इसका यह मतलब है ये कलीसिया के लोग नहीं है, कलीसिया के है, अगर पासवान लोग है तो कलीसिया के है, अगर कलीसिया के है तो उनका विवाह होना चाहिए, लेकिन यहां पर हम देखते कुवारे है। सो इसलिए वे कलीसिया के लोग नहीं है, वे जो महान क्लेश में से आए हुए 144,000, उसके ऊपर में थियोलॉजियंस के बीच में तर्क है, लेकिन हमने आज उसका पर्दाफाश कर दिया है। ओके, अभी हम देखेंगे आगे और कुछ बातों को हम जल्दी देखेंगे। 14 अध्याय में फिर हम देखते हैं हमें कुछ स्वर्गदूतों का दर्शन, अभी सीधा स्वर्ग का दर्शन यूहन्ना देख रहा, नंबर 1 सियोन पर्वत और 144,000 लोग कलीसिया और मेमने के साथ स्वर्ग में, कलीसिया गीत गा रही है, 144,000 लोग गीत सीख रहे हैं, और 6 से लेकर के पढ़ेंगे, 6 और 7 पढ़िए। अगला दर्शन, फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर के रहने वालों की हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था, और उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो
और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है, और उसका भजन करो जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए। फिर इसके बाद छह और सात में हम एक दर्शन देखते हैं कि एक और स्वर्गदूत, फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा। ओके, एक और स्वर्गदूत का मतलब है, इसके पहले भी कई जगह में स्वर्गदूत का दर्शन हमने देख लिया है। सो आकाश के उड़ते हुए एक उकाब हमने उसको देख लिया है, इसलिए अभी स्वर्ग का दर्शन में दूसरा दर्शन योहन्ना देख रहा है, एक और स्वर्गदूत आकाश में उड़ते हुए दिया। उसने क्या बोला है, पृथ्वी पर के रहने वालों के हर एक जाति कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। सनातन सुसमाचार अर्थात स्वर्ग में एक स्वर्गदूत है उड़ते हुए पृथ्वी के लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं। कौन सा सुसमाचार? सनातन सुसमाचार। ओके, सो हम तीन प्रकार के सुसमाचार को बाइबल में पढ़ते हैं। आज अनुग्रह के युग, कलीसिया युग, अनुग्रह के युग, आज के अनुग्रह के युग में सुनाने वाला सुसमाचार का नाम है अनुग्रह के सुसमाचार। अनुग्रह, द गॉस्पेल ऑफ ग्रेस, अनुग्रह के सुसमाचार। ये आज ये सुसमाचार सुनाने का अधिकार प्रभु ने स्वर्गदूतों को नहीं दिया, ये सुसमाचार सुनाने का अधिकार केवल परमेश्वर के भक्तों को दिया है। ओके, प्रभु ने अपने चेलों को भेजते समय उनको बताया, जाओ सारे जगत में पृथ्वी के चोर तक जाओ और सुसमाचार प्रचार कर, प्रीच द गॉस्पेल। सो सुसमाचार आज अनुग्रह के सुसमाचार प्रचार करने का समय है, क्योंकि अनुग्रह का समय है। अनुग्रह के सुसमाचार स्वर्गदूत प्रचार नहीं करेंगे, वो अनुग्रह के सुसमाचार कलीसिया के लिए प्रचार करने वाला केवल अमीर लोग है, मनुष्य है, चुने हुए लोग, सेवक लोग। ये सौभाग्य मनुष्य को दिया है, स्वर्गदूत को नहीं दिया। फिर उसके बाद है महान क्लेश के आधे में राज्य के सुसमाचार सुनाने के लिए 144,000 लोगों को चुन लिया, और स्वर्ग से दो गवाह आए, वे लोग है राज्य के सुसमाचार। इसका मतलब है अनुग्रह के सुसमाचार में केवल विश्वास करो, कलीसिया में आज अनुग्रह के सुसमाचार विश्वास करो उद्धार पाए, लेकिन राज्य का सुसमाचार ऐसा नहीं है। राज्य का सुसमाचार में उद्धार पाना है, तुम यीशु मसीह के लिए मसीह विरोधी के द्वारा शहीद हो जाओ तब उद्धार पाएंगे, तो भी तुम स्वर्ग जाएंगे लेकिन कलीसिया में हिस्सा नहीं मिलेगा, वो है राज्य का सुसमाचार। लेकिन यहां पर महान क्लेश के आधे के बाद आखिरी 3.5 साल के समय में स्वर्ग में से सुसमाचार सुनाता है स्वर्गदूत, वो सुसमाचार का नाम है सनातन सुसमाचार। अनुग्रह का सुसमाचार, राज्य का सुसमाचार, सनातन सुसमाचार। सो सनातन सुसमाचार अंतिम समय के लिए है, और वो सुसमाचार कलीसिया नहीं सुनाएगी, 144,000 नहीं, क्योंकि 144,000 ऑलरेडी स्वर्ग में मेमने के साथ में है सियोन पर्वत में, लेकिन स्वर्ग में उड़ते हुए आकाश में उड़ते हुए एक स्वर्गदूत है आखिरी सुसमाचार इस दुनिया के लोगों को, बाकी लोगों को सुनाते हैं। वो सनातन सुसमाचार की विशेषता क्या है? वो सुसमाचार यह है, परमेश्वर से डरो, उनकी महिमा करो, क्योंकि उसका न्याय करने का समय आ पहुंचा है, और उसका भजन करो जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोता बनाया है। अर्थात सनातन सुसमाचार जो है मनुष्य के ऊपर आने वाले दंड को संकेत करते हैं, वो बोलते हैं परमेश्वर से डरो, क्योंकि महान क्लेश के समय इतने सारी पीड़ा होने के बाद भी लोग परमेश्वर से डरते नहीं है, मूर्तियां बना करके मूर्ति पूजा करते हैं, पिछले अध्यायों में हमने देखा। लेकिन इधर सुसमाचार, सनातन सुसमाचार ये बता रहा है परमेश्वर से डरो, उसकी महिमा करो, उसकी महिमा करो। कारण क्या है? इसके पहले हमने 13वां अध्याय में देखा है मसीह विरोधी की मूर्ति बनाकर रख दिया है, और झूठा भविष्यवक्ता ने लोगों को प्रेरणा दिया है, इसकी पूजा करो, इसकी स्तुति करो, इसकी महिमा करो। पृथ्वी में मूर्ति पूजा, मसीह विरोधी की मूर्ति पूजा हो रही है, इसलिए परमेश्वर का क्रोध और तेजी से भटकने वाले हैं, इसलिए सनातन सुसमाचार के द्वारा स्वर्गदूत हमें वार्निंग दे रहा है, मतलब उस समय के लोगों को वार्निंग दे रहा है। क्या वार्निंग दे रहा है? परमेश्वर से डरो और उसी की महिमा करो। आज तुम लोग इतना सब होने के बाद भी मसीह विरोधी की महिमा कर रहा है, मूर्ति पूजा कर रहा है,
वो गलत है, तुम परमेश्वर की महिमा करो। ये सुसमाचार का नाम है सनातन सुसमाचार। अगर नहीं है तो क्या है, क्योंकि उसका न्याय करने का समय आ पहुंचा है। अगर तुम परमेश्वर का स्तुति नहीं करेंगे, परमेश्वर से नहीं डरते हैं, अभी परमेश्वर का न्याय का समय आ गया है, परमेश्वर तुम्हें न्याय करने का। अगले अध्यायों में हम देखेंगे परमेश्वर का और विभिन्न तरीका से पृथ्वी के ऊपर में सताव और न्याय। ओके, सो परमेश्वर का न्याय का समय आ चुका है और उसका भजन करो जिसने स्वर्ग और पृथ्वी का, पृथ्वी और समुद्र का, समुद्र और जल का सोता बनाया। स्वर्ग, पृथ्वी, समुद्र, जल सब कुछ बनाया किसने? परमेश्वर ने। ये मूर्ति नहीं, ये मसीह विरोधी नहीं, ये मसीह विरोधी समुद्र से निकल कर आया है कि समुद्र को बनाने वाले एक परमेश्वर है, जल के सोता बनाने वाले एक परमेश्वर है, स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले एक परमेश्वर है। उस परमेश्वर का तुम भय मानो और उसकी स्तुति करो, नहीं तो परमेश्वर के न्याय का दिन आ पहुंचा। सो यह है सनातन सुसमाचार। अनुग्रह के सुसमाचार क्या है? यीशु मसीह पर विश्वास करो और यीशु की सूली के मृत्यु पर विश्वास करो और बपतिस्मा लो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। यह है अनुग्रह के सुसमाचार। ओके, राज्य के सुसमाचार क्या है? परमेश्वर को मानो और मसीह विरोधी के साथ तलवार के द्वारा परमेश्वर की गवाही और वचन के कारण तुम मारा जाओ, तुम मर जाओ, शहीद हो जाओ, राज्य के सुसमाचार। लेकिन सनातन सुसमाचार यह है, परमेश्वर का न्याय तुम्हारे ऊपर आने वाला है, क्योंकि तुम परमेश्वर का स्तुति नहीं किया, परमेश्वर से डरा नहीं है, तुम मूर्ति पूजा और मसीह विरोधी की स्तुति किया है, इसलिए परमेश्वर का न्याय का समय आ गया है। द वार्निंग, वार्निंग ऑफ द रथ ऑफ गॉड, परमेश्वर के क्रोध का वार्निंग देने वाला सुसमाचार है सनातन सुसमाचार। ओके, सो 6 और 7 में परमेश्वर के सनातन सुसमाचार की घोषणा एक स्वर्गदूत ने किया है। नौ, 8 से पढ़िए, 8 वचन पढ़िए। फिर इसके बाद एक और दूसरा स्वर्गदूत यह कहता हुआ आया, गिर पड़ा, वह बड़ा बाबुल गिर पड़ा, जिसने अपने व्यभिचार की कोप में मदिरा सारी जातियों को पिलाई है। सो यहां पर हम देखते हैं एक और स्वर्गदूत प्रकट हुआ, स्वर्गदूत के द्वारा पृथ्वी पर वार्निंग दे रहा। नंबर 1 सनातन सुसमाचार, न्याय का वाणी। फिर दूसरा एक और स्वर्गदूत कहते हुए सुना कि गिर पड़ा, वो बड़ा बाबुल गिर पड़ा, जिसने अपने व्यभिचार की कोप में मदिरा सारी जातियों को पिलाई। बड़ा बाबिलोन गिर गया, वार्निंग दे रहा है पृथ्वी के लोगों को, क्योंकि सनातन सुसमाचार का समय है, दंड का समय है। नंबर यहां बताया है बड़ा बाबुल गिर गया है। बड़ा बाबुल कौन सा है? इस बड़ा बाबुल के बारे में हमें पढ़ना है तो 18 अध्याय में पढ़ना है प्रकाशित वाक्य। 17 अध्याय और 18 अध्याय दो बाबिलोन के बारे में। 17 अध्याय के बाबिलोन पॉलिटिकल बाबिलोन, राजनीतिक बाबिलोन। 18 अध्याय के बाबिलोन कमर्शियल बाबिलोन, अर्थात जो व्यापार का बाबिलोन, वाणिज्य बाबिलोन। सो ये बड़ा बाबिलोन यानी वाणिज्य बाबिलोन है। वाणिज्य बाबिलोन के बारे में यह है, वहां पर हमें पढ़ने को मिलता है एक स्त्री अपने पाप की मदिरा सब राजाओं को, सब लोगों को पिलाए, सारी जातियों को पिलाए। ओके, व्यापार करने वाली, एक बहुत बड़ा यूनिवर्सल, एक इंटरनेशनल व्यापार केंद्र, यूरोपियन कॉमन मार्केट उसका नाम है। यूरोपियन कॉमन मार्केट यानी मॉडर्न रोम के द्वारा संचालन करने वाला एक वर्ल्ड मार्केट। वहां पर क्या क्या बिक्री होगी वो सब कुछ बाइबल में लिखा हुआ है, अंत्यकाल का लक्षण है। वहां पर इवन सभी चीजें खरीदने को मिलता है, इवन जो है मनुष्य का ऑर्गेन, मनुष्य के जो अंग वहां पर मिलेगा और प्राण वहां पर मिलेगा खरीदने के लिए। एक बार समझ में। सो इस प्रकार के एक बड़ा बाबिलोन, एक कॉमन मार्केट तैयार हो जाएंगे। हम 18 अध्याय में जब आएंगे उसके डिटेल में जाएंगे। यहां पर केवल 18 अध्याय के बाबिलोन के पतन उसके बारे में केवल वाणी दे रहा है स्वर्ग। बड़ा बाबिलोन गिर जाएंगे, तुम्हारा बड़ा आशा के केंद्र, व्यापार केंद्र, नया मॉडर्न रोम, मॉडर्न रोम को कमर्शियल बाबिलोन कहते हैं, क्योंकि बाबिलोन के उसी स्पिरिट में फिर से पुनरुत्थान होने वाला साम्राज्य है यूरोपियन कॉमन मार्केट, अर्थात 10 राज्य फेडरेशन। उनका मार्केट में सारी चीजें खरीदने को मिलता है, सारे पाप में आइटम वहां पर खरीदने को मिलता है। इसलिए दुनिया को पाप की मदिरा, व्यभिचार की मदिरा पिलाने वाली मॉडर्न बाबिलोन रोम, रोम धर्म के बारे में। ओके, वो गिर पड़ा, कारण क्या है?
सो सुसमाचार सनातन सुसमाचार में क्या सुनाया, परमेश्वर का न्याय का समय आ गया है। समस्त दुनिया के लोगों को पाप की मदिरा पिलाने वाला रोमन धर्म, यूरोपियन कॉमन मार्केट, उसको परमेश्वर गिरा देगा। उसको समझने के लिए समय लगता, 18 अध्याय में हम डिटेल में जाएं। यहां पर केवल उसका संकेत किया है, स्वर्गदूत वार्निंग दिया है, गिर गया है बड़ा बाबिलोन। ओके, उतना बोल करके मैं वो छोड़ देता है, क्योंकि 18 अध्याय में हमें उसी विषय को डिटेल में देखना है। सो अभी अगला स्वर्गदूत क्या बोला है, स्वर्गदूतों के द्वारा वार्निंग दिया जा रहा है। पढ़िए नवा वचन, 9 से आगे पढ़िए। फिर इनके बाद एक और स्वर्गदूत बड़े शब्द से यह कहता हुआ आया कि जो कोई उस पशु और उसकी मूरत की पूजा करे और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले, तो वह परमेश्वर के प्रकोप की नीरी मदिरा और उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है पिएगा, और पवित्र स्वर्गदूतों के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा, और उनकी पीड़ा का धुआं युगान युग उठता रहेगा। और जो उस पशु और उसकी मूरत की पूजा करते हैं और जो उसके नाम की छाप लेते हैं, उनको रात दिन चैन न मिलेगा। पवित्र लोगों का धीरज इसी में है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु पर विश्वास रखते हैं। और मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना कि लिख, जो मुर्दे प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने परिश्रमों से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। ओके, सो यहां पर हम देखते हैं कि एक स्वर्गदूत फिर से स्वर्ग से बताते हैं, उसके शब्द सुनाई दिया कि जो कोई उस पशु और उसकी मूरत की पूजा करे और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले, तो वो परमेश्वर का प्रकोप की नीरी मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है पिएगा, और पवित्र स्वर्गदूतों के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़े। अर्थात ये एक वार्निंग है, ये पूरा अध्याय वार्निंग स्वर्गदूत के द्वारा वार्निंग दिया जाता है। ये वार्निंग ये है कि पशु की पूजा करने वाले लोग, ओके, क्योंकि पशु यानी मसीह विरोधी को मंदिर में उसकी पूजा हो रही है, वहां पर खड़े किया उसकी मूरत, बोलने वाले मूरत, और उसकी पूजा करने के लिए झूठा भविष्यवक्ता ने लोगों को प्रेरणा दिया, पूरा प्रेरणा देकर लेकर के उसकी पूजा करने वाले लोगों को के ऊपर परमेश्वर का प्रकोप आने वाला है। जो मसीह विरोधी का पूजा करने वाला, पशु के पूजा करने वाला और माथे पर और हाथ में मोहर लेकर के मसीह विरोधी के मोहर पाने वाले लोग, ओके, सो उनको परमेश्वर के ओर से दंड मिलेगी, अर्थात उनको परमेश्वर नाश करके नरक में जो पीड़ा में ज्वाला में डालेगा। ये वार्निंग स्वर्गदूत ने दिया है। वार्निंग इसलिए दिया है कि तुम पशु की पूजा मत करो, पशु की पूजा ना करते हुए मसीह के तलवार से मारा जाओ, मसीह विरोधी के तलवार से मारा जाओ तो तुम स्वर्ग जाओगे। अगर तुम पशु की पूजा करते हो, पशु के जो छाप या मोहर तुम अपने माथे पर और हाथ में लेते हो और तुम्हें परमेश्वर सताएगा, ये वार्निंग स्वर्गदूत ने किया है। परमेश्वर का प्रकोप की नीरी मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई पियो पिएगा, और पवित्र स्वर्गदूत के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा, अर्थात आग और गंधक अर्थात नरक में। शैतान की पूजा करने वाला, शैतानी चर्च आज भी है, शैतानी पूजा करते हैं, उस समय मसीह विरोधी के पूजा करते हैं, उसके जो छाप माथे पर और हाथ में लेते हैं और मसीह विरोधी के वश में हो जाते हैं, वे लोग है मसीह विरोधी के पूजा करने वाला झूठा भविष्यवक्ता के द्वारा हमें इन्फ्लुएंस किया गया लोग है, वे परमेश्वर के द्वारा उनके प्रकोप के द्वारा सताया जाएगा, उनको आग और गंधक की झील में डाल दिया जाए। ये वार्निंग है अंतिम दिन में स्वर्गदूत उनको बताया है। ओके, फिर बताया है तुम इस मूर्ति पूजा ना करते हुए मसीह विरोधी की मूर्ति का पूजा या उसके छाप शरीर में माथे पर हाथ में ना लेते हुए प्रभु के लिए मर जाते हैं, प्रभु के लिए मरने का तैयार हो जाते हैं। अर्थात तुम मसीह विरोधी का पूजा नहीं करेंगे, मसीह विरोधी का छाप यानी मोहर लेने में इनकार करेंगे, आपको चुन चुन के मसीह विरोधी मारेंगे, मारने दो,
मसीह विरोधी के समय पर उसके तलवार से जो कोई मारा जाए वे धन्य। इसलिए 13वां अध्याय में बताया, 13वां वचन में बताया, और मैंने स्वर्ग से ये शब्द सुना कि लिख, जो मुर्दे प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य है। आत्मा कहता है कि क्यों वे अपने परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। यानी मसीह विरोधी पशु के पूजा ना करते हुए, उसका चाप ना लेते हुए, सच्चा परमेश्वर के लिए जो जो कोई खड़े रहेंगे वे मसीह विरोधी के द्वारा मारा जाएगा। अगर आप ऐसा मरे तो आप धन्य है। जो अब से मरने मुर्दे जो प्रभु में मरते हैं, प्रभु में मरते हैं, मसीह विरोधी के यानी पूजा करके नहीं मरना है, प्रभु में जो मरते हैं वे धन्य है। कारण क्या है? उनकी आत्मा स्वर्ग में पाया जाता है। ओके, सो मसीह विरोधी के शासन काल में भी उसके मोहर ना लेते हुए, उसकी मूर्ति का पूजा ना करते हुए प्रभु के लिए अलग रहने वाला एक समूह है, उनको मसीह विरोधी मार डालेंगे। सो स्वर्गदूत बोलता है आमीन, वे धन्य है जो आज मसीह के कारण मरते हैं, आज मसीह के कारण मरते हैं। जो मुर्दे प्रभु में मरते हैं वो अब से धन्य है। प्रभु में मरना है वो धन्य है। उस समय प्रियो हम कितना धन्य लोग है, उस समय प्रभु में मरने वाला धन्य है, तलवार के द्वारा शहीद होने वाला धन्य है। लेकिन आज केवल प्रभु पर विश्वास रखने वाला धन्य है। आज आपको केवल आपका विश्वास के द्वारा स्वर्ग प्राप्ति है, विश्वास के द्वारा स्वर्ग प्राप्ति है। लेकिन वहां पर तुम्हारे विश्वास और कर्म के द्वारा स्वर्ग प्राप्ति है। लेकिन आज विश्वास के द्वारा स्वर्ग पाते हैं वे कलीसिया है, लेकिन वहां पर शहीद होकर कर्म के द्वारा स्वर्ग पाते हैं तो भी वो कलीसिया का हिस्सा नहीं है। इसलिए हम कितना धन्य है इस बात को सोच करके प्रभु को धन्य कहो। और आज का क्लास में हम समाप्त करूंगा, बाकी 14 से लेकर के जो वचन अगले क्लास में हम देखें।